फ्रेंड मुझे मतलब हम सबका स्वागत है। तो ये ट्रेनिंग का तीसरी पार्ट है, तीसरी बार काफ़ी दिनों बाद आए तो इसके लिए सॉरी, आवाज़ थोड़ा गूंज रही है, मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ। तो तीसरी पार्ट में आपको हम बताएंगे कि बच्चे का जो ब्रूडिंग हो रहा है, ब्रूडिंग के समय उसका जो मेडिसिन का इस्तेमाल है उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बताएंगे। हमारे पास काफ़ी सारा मेडिसिन है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो हमको बताएंगे। तो फर्स्ट जब आप बच्चे को ला रहे हैं, ऐसे सलाइन का पैकेट होगी, उस पैकेट को डालना है। 100 बच्चे में एक पैकेट आप डाल सकते हैं या फिर 200 बच्चे में एक पैकेट डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चा थका हरा हुआ आता है फार्म में और उसके बाद उसको मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद आता है दूसरे दिन सुबह आपको लेक्सन पाउडर डालना है, देख सकते हैं आप एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक इसको डालना है सुबह 100 बच्चे में। इसका आपका ये 20 ग्राम का पैकेट आता है, यानी 1000 बच्चे के लिए आता है 20 ग्राम का पैकेट, यानी आपका दो ग्राम आता है 100 बच्चे के लिए, ठीक है। 20 ग्राम आता है 1000 के लिए, तो 2 ग्राम 100 बच्चे के लिए आता है। ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, सुबह सुबह इसको देना है फर्स्ट टाइम। उसके बाद दोपहर के बाद, दोपहर के जो पानी आप चेंज करेंगे तब इसको ये देना है इम्यूनिटी, इम्यूनी है इसको यूज़ इस्तेमाल करना, आप देख सकते हैं इम्यूनी, इम्यूनिटी आपको दूसरे फॉर्म में भी आता है। इसको इस्तेमाल करने 100 बच्चे में एक ढक्कन, ये जो ढक्कन है इसका, इसके ढक्कन का एक ढक्कन इसको इस्तेमाल करना है, और एक दिन ये देना है और दूसरे दिन भाई मिनरल देना है। सब लोग आप पहचान दें इसको, देख सकते हैं भाई मिनरल इसको देना है। भाई मिनरल देने के बाद एक दिन ये, एक दिन ये छोटे देना है, और कंटिन्यू 3 दिन सुबह लेक्सन पाउडर देना है, ठीक है। कंटिन्यू 3 दिन सुबह लेक्सन पाउडर देना है, दोपहर के पानी में एक ढक्कन इमेनी, एक ढक्कन भाई मिनरल दे सकते हैं। और नीचे हमारे ऐप्स है, ऐप्स के अंदर पूरा डिटेल्स डाला हुआ है, इसका फोटो वीडियो डाल के दिया है। आपने अगर कोई भी मेडिसिन ऑर्डर किया आपने तो आपके पास चला जाएगा और ऐप्स में पूरा दिखा जाएगा कैसे क्या देना है, और वीडियो देख के भी आप दे सकते हैं। 3 दिन इसको देना है और ये सब दोपहर के बाद देना है। उसके बाद 3 दिन के बाद ये ख़त्म हो गया, लेक्सन पाउडर ख़त्म हो गया, उसको छोड़ दिए। उसके बाद ये देना है एक दिन करके 6 दिन तक देना है, यानी 6 दिन के बाद 7 दिन में आपका वैक्सीन हो जाएगा रानीखेत का। रानीखेत वैक्सीन आपने दिखाया होगा, दिखाया हमने पिछले वीडियो में, तो रानीखेत का वैक्सीन हो जाएगा। वैक्सीन के बाद आप इसको एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्सीन के दूसरे दिन, वैक्सीन छोड़ के दूसरे दिन इसको एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लिवर टॉनिक आता है, लिवर टॉनिक में आप देख सकते हैं ब्रोटोन काफ़ी अच्छा है, ब्रोटोन लिवर टॉनिक काफ़ी अच्छा है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ब्रोटोन इसको भी इस्तेमाल करने छोटे बच्चे में एक ढक्कन, यानी 5 ml आता है ढक्कन, बड़े हो गए तो इसमें 2 ढक्कन इसमें इस्तेमाल करना है, बड़ा मुर्गी में इस्तेमाल करना है। उसके बाद एक दिन छोड़ छोड़ के ये सब यूज़ कर सकते हैं। टॉयलेट का कभी प्रॉब्लम हुआ, बेसिक हम बता रहे हैं, बड़े का नहीं छोटे का बता रहे, सिर्फ 7-8 दिन 10 दिन 12 दिन तक इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। उसके अंदर उस किसी का लैटरिन का प्रॉब्लम आ गया, देख सकते पावाडीन लिखा ही है, पावाडीन ब्लूस, ठीक है, उल्टा हो गया इसका, देखिए पावाडीन ब्लूस लिखा है। तो ये भी आपको ऐप्स के अंदर मिल जाएगी, और हमारे पैकेज में पूरा चीज़ रहता है ये सब। तो ये आपको इस्तेमाल करना है 100 बच्चे में, आधा टैबलेट इसका आधा लेना है, पानी में छोड़ना है, और घुल गया उसके बाद उसको पानी में घुल के दे देना है। आधा 100 में यूज़ करना है, 200 रहा तो फुल यूज़ करना है, 400 रहा तो 2 यूज़ करना है, ऐसे इस्तेमाल करते रहना है। 3 दिन इसको देना है तो उसका जो ब्लैटरिंग का प्रॉब्लम होगा वो खत्म हो जाएगा। ये कभी भी हो सकता है, आप देख सकते हैं कि ब्रूडिंग करते टाइम बच्चा पंख नीचे दे रहा है, नीचे करके दे के बैठे बैठे मर रहे हैं, मरते जा रहे हैं। उसमें टॉयलेट का अपना जो लैटरिंग है इसका ध्यान रखना, प्रॉब्लम हुआ तो ये देना। बच्चा अगर छींकने लगे, आग नाक से पानी निकल रहा है, तो इसको इस्तेमाल करना है, तो मेलोनेक्स प्लस लिखा है, ठीक है, मेलोनेक्स प्लस लिखा है, इसको इस्तेमाल करना है। इसको भी सेम इस्तेमाल करना है, आधा लेके ये देना है। ये आप 10-12 दिन तक ऐसे इस्तेमाल करते रहिए, मगर इसको आपको 3 दिन कंटिन्यू यूज़ करना है, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि बड़े में क्या देना है, वैक्सीन कैसे करना है, कैसे करना है और इंजेक्शन ये सब कैसे करना है, इंजेक्शन आता है इंजेक्शन कैसे करना है, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब करके रखें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कोई भी अगर किसी को भी ज़रूरत हो उसको मिल जाएगी, और कुछ भी आपका सवाल हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।